हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं और सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। मैं सूरत से 10:30 बजे निकला था रात को और सुबह 5 बजे मुंबई पहुंच गया था और 5:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था और 6:30 बजे तक मैंने सारा प्रोसेस कर लिया था एयरपोर्ट का, चेक इन, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो अभी मैं सारा प्रोसेस कंप्लीट करके फूड कोर्ट में बैठा हूँ और यहाँ से बाहर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। सारी फ्लाइट्स आ जा रही है, दिख रही है यहाँ से मुझे। तो ये नीचे का व्यू है और अभी मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। ब्रेकफास्ट में मैंने इडली मंगाई है चाय के साथ और ये 450 रुपये का है। एयरपोर्ट पर काफ़ी कॉस्टली होता है खाना नाश्ता वगैरह, इडली और चाय का 450 रुपये लगा है, लेकिन खाना तो पड़ेगा, भूख लग रही है। तो फटाफट नाश्ता करते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट और फिर निकलेंगे फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ का फूड कोर्ट है और अभी थोड़ा एयरपोर्ट की झलक दिखाता हूँ मैं आपको। तो पूरी रात बस में सो नहीं पाया तो अभी मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं यहीं पर सो जाऊँ, यहीं पर लेट जाऊँ। काफ़ी कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, जैसे तैसे एक बार फ्लाइट में बैठे उसके बाद में मैं सोने की तैयारी करूँगा। तो एयरपोर्ट हमने देखा, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है ये मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं पहली बार एयरपोर्ट के अंदर आया हूं और मैं पहली बार आज फ़्लाइट में बैठूंगा और मैं पहली बार आज इंटरनेशनल ट्रिप करूंगा। तो ज़िंदगी में कई बार कई सारी चीज़ें पहली बार होती है। काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं कि पहली फ़्लाइट है, पहली ट्रिप है, कैसे जाए, फ़्लाइट कैसे पकड़े। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम ईजी है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 1.5 घंटे में सारा प्रोसेस हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। तो सब कुछ बढ़िया है, एयरपोर्ट भी बढ़िया है। अभी चलते हैं फ़्लाइट के लिए। फ़्लाइट में लगभग अभी 30 मिनट ही रह गया है, तो जल्दी से पहुँचते हैं और फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। तो मैं फ्लाइट में बैठ गया हूँ, विंडो सीट मिली है मुझे। तो ये हमारी सीट है विंडो वाली। ये नाश्ता वगैरह करने के लिए ट्रे है और ये विस्तारा का कुछ सुरक्षा निर्देश है और ये एयर सिकनेस बैग है, ये एक बुकलेट है। तो विंडो सीट मिली है, अच्छा है, नीचे का नज़ारा बढ़िया दिखेगा। और एयर सिकनेस होती है नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर सिकनेस का बैग तो रखा है। मैंने आपको बताया ये मेरी पहली हवाई यात्रा है, हवाई यात्रा तो नहीं है, प्लेन में पहली यात्रा है। इससे पहले हम चिनूक हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। तो देखते हैं जो भी होगा आपको बताएँगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होता है। ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे अपनी ओर खींचे। तो 1 घंटे के लिए मैं सो गया था और अभी जब मैं जगा हूँ तो नीचे का जो नज़ारा देख रहा हूँ वो कुछ अलग ही दिख रहा है। पूरा ब्लू दिख रहा है, पूरा समुद्र ही समुद्र है।
और लगभग 20 से 25 मिनट में हम लैंडिंग कर लेंगे। तो नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसा नज़ारा देखो आप, नीचे नीचे पूरा समुद्र है बादलों के नीचे, और ऊपर पूरा आसमान है, तो ऊपर भी ब्लू है और नीचे भी ब्लू है। तो हमने लैंड कर लिया है और अभी बस नीचे उतरने की तैयारी है। अपना लगेज, तो यहाँ से हमें फ्री टूरिस्ट सिम मिल जाती है। तो पीछे से मैंने सिम ले लिया है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लिया है, फ्री में सिम मिलती है। इसको जब हम चालू करते हैं तो इसका चार्ज लगता है। तो यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो एयरपोर्ट पर, और हमें इस तरफ से बाहर निकलना है। तो मैं एयरपोर्ट से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, और ये मालदीव का माले वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मालदीव का जो मेन एयरपोर्ट है वो यही है, और ये माले में है। माले मालदीव की राजधानी है, कैपिटल है। छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो हमारा मुंबई का एयरपोर्ट है उससे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन अच्छा है। तो मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ, मुझे केवल 10 मिनट लगा बाहर आने में। तो ये है नज़ारा, देखो आप एयरपोर्ट से बाहर आते ही हमको नज़ारे दिखने शुरू हो गए। वाह, मज़ा आ गया। ये टूर मैं गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कर रहा हूँ, उन्होंने ये टूर स्पॉन्सर किया है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरा उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनसे ये टूर बुक कर सकते हो। गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों का हेड ऑफिस जो है वो कोची में है, और बेंगलोर में भी इनका ऑफिस है, और माले से भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। क्या पानी है देखो आप, एकदम नीला नीला मज़ेदार क्रिस्टल क्लियर पानी है देखो आप। तो नज़ारा देखो कितना बढ़िया है, सुंदर, अति सुंदर, मज़ा आ गया। ये जो आप देख रहे हो ये प्रेसिडेंट के लिए जेटी बना हुआ है, अगर प्रेसिडेंट आते हैं तो यहीं से जाते हैं, और किसी के लिए यूज़ नहीं होता है। तो मालदीव के प्रेसिडेंट के लिए बना हुआ है ये, प्रेसिडेंट जेटी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड विनर 2021, और यहाँ पर लिखा हुआ वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन 2020, 21 और 22। तो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है ये टूरिस्ट के लिए मालदीव। ये है मिस्टर वाहिद, और जहाँ पर हमें जाना है
ये हमें वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ से हमें रिसीव करने आए हैं। तो भाई साहब हमें यहाँ पर माले सिटी घुमाएंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसी है माले सिटी, और उसके बाद हम यहाँ से लगभग 4:30 बजे की बोट है हमारी, उसमें हम यहाँ से डिबूसी आइलैंड जाएंगे जहाँ पर हमें स्टे करना है 2 दिन के लिए। तो चलते हैं माले घूमते हैं। तो ये एयरपोर्ट जिस जगह पे उसे हुलहुले कहते हैं, पीछे उस तरफ माले सिटी है, आपको बिल्डिंग्स दिख रही होगी, और हुलहुले के इस तरफ में अगर बढ़ जाएंगे तो हुलू माले आता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, तो माले से लगा के हुलू माले तक लगभग 5 से 6 किलोमीटर है ये। तो छोटा सा आइलैंड है ये, मालदीव का मेन जो सिटी है वो भी इतना छोटा सा है, तो आप सोच लो कितने छोटे छोटे टापू हैं यहाँ पर। ओके, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? माय नेम जमाल। हाँ, बाहर बहुत गर्मी है भाई, भयंकर वाली गर्मी है यहाँ पे, एकदम उमस उमस है। आपको हिंदी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलेगा। सबसे लंबा हाईवे कहते हैं इसे, लेकिन ये हाईवे जो है वो केवल 2 या 3 किलोमीटर लंबा है, तो आप सोच लो कितना बड़ा आइलैंड होगा ये। और ये एयरपोर्ट है, तो देखो सामने सी प्लेन लैंड होने वाला है, ये देखो आप, ये लैंड कर गया है। तो यहाँ पर सी प्लेन भी काफ़ी चलते हैं, क्योंकि सारे टापू अलग अलग है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सी प्लेन का यूज़ करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयर टैक्सी चलता है यहाँ पर। अभी हम हुले माले में आ गए हैं, और ये फेस वन है, यहाँ पर 2 फेस है, फेस वन और फेस टू, तो ये फेस वन है। और यहाँ पर भी देखो आइलैंड के ऊपर भी इन्होंने बिल्डिंगें बना रखी है इतनी बड़ी बड़ी, छोटे से आइलैंड पर भी इन्होंने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, और सारे सोलर लगे हुए हैं। देखो आप, ये सब बिल्डिंग देख के लगता नहीं है कि हम किसी आइलैंड पर है, छोटे से आइलैंड पर ऐसा लगता है किसी बड़ी सिटी के अंदर आ गए हम। तो ये हुलू माले का बीच है, क्या सुंदर बीच है, देखो आप पूरी वाइट सैंड है, और उस तरफ में पीछे वो सारी बिल्डिंग्स है जहाँ से हम आए हैं, मैंने आपको बताई। तो बहुत सुंदर जगह है, बहुत मज़ा आ गया मुझे, इतना प्लान करके इस सिटी को बना रहे हैं ये लोग, अभी तो इनका काम शुरू है। बाकी आपने देखा कितना सुंदर है, ये वही बीच है जो मैंने आपको आगे दिखाया था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा प्लान करके बनाया गया है। एक तरफ में रोड है ये वाला जिस पर हम चल रहे हैं गाड़ी से, और एक तरफ में ये बीच है, और इस तरफ में ये पूरा समुद्र है। तो फिर से एयरपोर्ट पर आ गए हैं, ये एयरपोर्ट है। तो काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही है मुझे, तो अभी समय हो गया पेट पूजा करने का। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, और इस तरफ में यहाँ पर ये होटल वगैरह बने हुए हैं खाना पीना करने के लिए, तो हम यहीं पर चलते हैं खाने के लिए, भूख लग रही है। तो मैंने क्लब सैंडविच मंगवाया है, और ये ऑरेंज जूस है, और पानी की 2 बॉटल है, तो ये 3 चीज़ें मंगवाई है। पानी की बॉटल $3 की है, तो $6 तो इसका लगा, $6 मुझे जूस का लगा, और $10 मुझे सैंडविच का लगा। तो सैंडविच, ऑरेंज जूस और 2 पानी की बॉटल मिला के $22 हुआ मेरा। तो अभी फटाफट खाना खाते हैं, यही खाना मेरे लिए हैवी नहीं खाना मुझे, इसीलिए खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाश्ता कर लिया, अभी आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। आप पानी तो देखो कितना साफ पानी है, पानी को टच करके देखते हैं। ओ देखो आप,
पानी कितना साफ है। तो मालदीव में कुल मिला के 1200 आइलैंड है, उसमें से 200 आइलैंड पर लोग रहते हैं, बस्ती है, बाकी 1000 आइलैंड पर कोई रहता नहीं है। कहीं कहीं पर प्राइवेट वो रिसोर्ट वगैरह बने हुए हैं, बाकी सारे खाली हैं। तो सारे टापुओं का समूह है ये मालदीव, और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में मालदीव फैला हुआ है, लेकिन लैंड जो है वो ओनली 300 किलोमीटर में है, 300 स्क्वायर किलोमीटर में। बाकी का जो 87,000 किलोमीटर है वो सारा पानी है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मालदीव के पास में कितना कम लैंड है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, माले की तरफ चलते हैं, थोड़ा माले देखेंगे जो मेन पुराना सिटी है, फिर वहाँ से हम बोट पकड़ के डिफूशी आइलैंड पर जाएंगे। थैंक यू जमाल भाई। ओके भाई, तो अभी गाड़ी का काम ख़त्म हो गया, अभी हमें यहाँ से बोट लेनी है। तो भाई जी हमें बोट में बिठाएंगे और उसके बाद ये भी हमसे विदा लेंगे। तो यहाँ से हमें बोट लेनी है जो कि ऑलरेडी पहले से रिजर्व है। तो ये है हमारी बोट। थैंक यू सो मच, थैंक यू bye. So 30 they will start go to airport, fix the tourist and then go. Okay. Okay, bye. Bye. तो बोट में चलते हैं भाई। तो स्पीड बोट में माले से डिफूसी पहुंचने में 40 मिनट का समय लगता है, और ये स्पीड बोट मेरे तो पैकेज में साथ में है, लेकिन अगर आप पर्सनल इसको करोगे तो एक जने का $35 लगता है, 35 जाने का, और वापस जब आओगे तब 35, मतलब $70 एक जने का चार्ज लगता है। पैकेज लेने का फ़ायदा है कि सब कुछ अंदर आ जाता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ अरेंज कर लेते हैं ये लोग, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। करीब 10 से 15 मिनट बोट में बैठा हूँ, और बोट ऐसे ऐसे झूल रही है, तो झूल रही है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नींद नहीं ली है कल रात से, और आज भी पूरे दिन घूमा हूँ। अभी लगभग शाम के 4:20 हो चुकी है, 4:30 ये बोट रवाना होगी, 10 मिनट बाकी है। तो मुझे आ रही है बड़ी भयंकर नींद, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे झुला रही है बोट, सो जा। बैठे बैठे झोंके आ रहे हैं, थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये पक्षी आया है, देखो आप, प्यारा सा। तो हम पहुंच गए हैं, करीब 35 से 40 मिनट का समय लगा हमें यहाँ आने में, और ये डिफूशी आइलैंड है। क्या नाम आपका? राशिद। तो राशिद हमें लेने आए हैं होटल वालों की तरफ से,
यहाँ पर यही रिक्शा होती है, इसमें हमें रिसोर्ट पर या होटल पर लेके जाते हैं। पहुँच गए हम। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी है, बढ़िया प्रॉपर्टी है। देखो आप, ये यहाँ पर डाइनिंग है और भाई साहब हमारे लिए कुछ ला रहे हैं, वेलकम ड्रिंक लगता है क्या वैसे ये मैंगो? ओके, तो इसका नाम है बीच हाउस डिफूशी आइलैंड। बीच हाउस तो अभी बदलने वाला है, इसका नाम होने वाला है सी होटल। तो चलते हैं रूम देखते हैं कैसा है। तो कुछ ऐसा रूम है, देखो आप, है मेरे ख्याल से। तो बाथरूम भी बढ़िया है, देखो आप, वाह, ये हुई ना बात, ये है नज़ारे। तो बहुत बढ़िया व्यू आता है, देखो आप, रूम की बालकनी से सामने समुद्र है और इस तरफ में अपना रूम है ये। तो मैं नीचे आया हूँ, देखो आप क्या नज़ारा है। अभी अभी जस्ट सनसेट हुआ है, मैं थोड़ा फ्रेश होने गया था तो थोड़ा टाइम लग गया, नहीं तो आपको मैं अच्छे से बताता, लेकिन नज़ारा बहुत प्यारा है। देखो आप, पीछे ये मेरा होटल है, यहाँ पर ये सिटिंग अरेंजमेंट है, डिनर भी यहीं पर कर सकते हैं हम, और इस तरफ में ये समुद्र है जो मैंने आपको बताया। तो बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन बहुत प्यारी है होटल की। ये मालदीव ट्रिप मैं गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ कर रहा हूँ, उन्होंने ये ट्रिप स्पॉन्सर की है और 4 नाइट 5 डेज की ये ट्रिप होती है। अप्रॉक्स 50,000 के आसपास का बजट है इस ट्रिप का। तो गोल्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स का मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या अगर आपको मालदीव का टूर बुक करना है तो आप कर सकते हो। कल नए दिन हम नई शुरुआत करेंगे, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।